आपके अपने जिले मेदिनीनगर में पिछले कुछ समय से क्या कुछ घट रहा है, किसने क्या कहा और कितना हो रहा आपके क्षेत्र का विकास, तलाश न्यूज की इस सीरीज में आइए जानते हैं आपके क्षेत्र मेदिनीनगर की कुछ खास छोटी बड़ी खबरें। नंबर एक, आयुक्त ने पलामू प्रमंडल में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए पलामू में कोविड-19 जांच का दायरा बढ़ाने, संक्रमित व्यक्ति के घर व उसके आसपास कंटेनमेंट जोन बनाते हुए कंटेनमेंट जोन के व्यक्तियों की जांच कराने, टीकाकरण कार्य में तेजी लाने आदि का निर्देश दिया है। उन्होंने आमजनों से भी कोविड-19 से बचाव हेतु हर एहतियात बरतने की अपील की है। कहा कि बिना जरूरत अनावश्यक अपने घरों से ना निकले, निकलना जरूरी हो तो मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। आयुक्त ने कोविड-19 की भी जांच कराई जिसका रिपोर्ट नेगेटिव आया। इधर आयुक्त आवास के 18 कर्मियों का कोरोना जांच कराया गया जिसमें एक व्यक्ति का कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। नंबर दो, पांडू प्रखंड के मुसीखाप में किसान के घर में लगी आग, लाखों की सामान जलकर हुआ खाक। मिली जानकारी के अनुसार सोहराय चंद्रवंशी एवं फुल मोहम्मद अंसारी दोनों मुसीखाप निवासी हैं, परंतु वे लोग चट्टान पर नया घर बनाकर कई सालों से रह रहे थे जो कि विश्रामपुर प्रखंड में पड़ता है। आज एक पुआल में आग लग गई और देखते देखते विशाल रूप धारण कर लिया। आग पर काबू नहीं पाया जा सका। लोगों ने झारखंड सरकार एवं उपायुक्त पलामू से आग्रह किया है कि पूरे परिवार को रहने एवं खाने की व्यवस्था तत्काल किया जाए। अब इनके पास अपना शरीर के अलावा कुछ भी नहीं बचा। इन किसानों ने आयुक्त पलामू से मुआवजे की मांग भी की है। नंबर तीन, कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी संस्था के द्वारा एक गरीब लड़की की शादी में घर जाकर विदाई सामग्री उपहार स्वरूप देकर वितरण किया गया। संस्था का मेन उद्देश्य बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा पर रोक लगाना एवं सामूहिक विवाह का प्रोत्साहन करना। मौके पर उपस्थित जिला प्रबंधक अमन सागर, क्षेत्र प्रबंधक शंकर कुमार मेहता, प्रखंड सर्वेयर सुभाष मेहता, अजय ठाकुर, संतोष यादव, रिंकू देवी, रीता देवी, अमजद खान और काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।